एक और खबर जो आपकी जेब को और हल्का कर देगी। अगले महीने यानी 1 जून से दुपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ दूसरे बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा महंगा होने वाला है। यानी अब आपको थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा। दुपहिया वाहनों के लिए 1 जून से थर्ड पार्टी बीमा कराने पर 150 सीसी से 350 सीसी तक के लिए 1367 रुपये प्रीमियम देना होगा, जबकि 350 सीसी से अधिक के वाहनों के लिए प्रीमियम 2804 रुपये देना होगा। समीर दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। समीर, ये आम आदमी के लिए तो खुशी की बात नहीं है, ये क्यों बढ़ाए गए थर्ड पार्टी बीमा के रेट? देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, साथ ही सुरक्षित वाहनों को आने वाले समय में वो ज्यादा से ज्यादा वो बड़ी संख्या में सड़कों पर चले, साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी काफी हद तक सपोर्ट करना सरकार का मकसद है। ये सरकार इस खागे को लेकर के चल रही है। यही वजह है कि थर्ड पार्टी प्रीमियम है, उसने इस तरह का बदलाव किया है, फेरबदल किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो स्कूल बस है उनके लिए कुछ रियायत दी है, लेकिन बाकी गाड़ियों के लिए उसमें बढ़ोतरी करी है थर्ड पार्टी प्रीमियम में। जो रियायत की बात करें तो मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो बसेज है उसमें 15% का रिलैक्सेशन है, जबकि 50% विंटेज गाड़ियों के लिए, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए है। इलेक्ट्रिक वाहनों के यहाँ पर सरकार ने जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं माफ कीजिएगा उनके लिए 7.5% का ये दिया है। तो सरकार की कोशिश है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए जो कॉस्ट है टैक्स के रूप में या प्रीमियम दिया जाए, लेकिन जो बाकी की पेट्रोल डीजल आधारित गाड़ियां हैं उसके लिए जो उपस्था है उसमें किया जाए बदलाव की आप उसको में बड़ी संख्या में चलाने के लिए सकते। तो ये सरकार का मोटिव और उसकी दिशा में ये नया थर्ड पार्टी प्रीमियम में बदलाव जो कि 1 जून से लागू होगा। समीर, हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।